हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी देखिए, अर्नब झूला झूल रहा है, तो अभी तो उसके मज़े हैं। अभी तो मतलब उसका सबसे फेवरेट टाइम है दिन का ये। तो आज मुझे एक्चुअली आपसे कुछ शेयर करना था, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये झूला झूलेगा और मैं यहीं पे आप वीडियो बनाऊंगी। गाइस, एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन से पहले उसका बिहेवियर काफ़ी सेटल हो गया था, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन के बाद, लगभग 2 साल के बाद, अभी जब 2-3 महीने से उसने निकलना शुरू किया, तो फिर से उसमें कुछ बिहेवियर इश्यूज जो थे, जो पार्क में जैसे ग्राउंड में जाते हैं, वो सब मुझे फिर से थोड़ा दिखने लगे। ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप हो गया, तो फिर से मुझे उनको थोड़ा सेटल करना पड़ रहा है। पिछले वीक उसने एक बच्चे को, हालांकि उसका गलती नहीं है, उसने वो एक्चुअली क्या कर रहा है, अभी बच्चों को कॉपी करने का कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चे कुछ गेम खेलते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा पकड़ते हैं, हग करते हैं, तो वो भी एक्चुअली उनको थोड़ा कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। उसको एक्चुअली पता नहीं है कि खेलना कैसे है। तो एक बार उसने एक बच्चे को ऐसे कर दिया, पकड़ लिया उसको, तो उसको लगा पता नहीं उसने क्यों पकड़ा, थोड़ा डर गया। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे थे, हालांकि लकीली वो पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, हम लोगों ने उनको बोला कि हाँ थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है और ऐसे ऐसे है, तो वो समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट फिर भी थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें थोड़ा वो कर रहा है। तो अभी मैं उसको दूसरे पार्क में लेके जाऊंगी, यहाँ अकेला रहता है थोड़ा, हाँ यहाँ सिर्फ मैं झूला झुलाती हूँ, दूसरे पार्क में जहाँ बहुत भीड़ रहती है वहाँ लेके जाऊंगी, कंटिन्यूअसली लेके जाऊंगी, फिर से टैकल करने का कोशिश करूंगी। फिर से उसको वो ट्रैक पे मुझे वापस लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि किसी भी पर्सन को उसकी परमिशन के बगैर आपको टच नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब मैं उसको कंटिन्यूअसली वहाँ पे लेके जाऊँगी, ऑन द स्पॉट में समझाऊँगी, क्योंकि घर पे लेक्चर देने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी आंटी, हाँ बेटा, क्या मैं इसका साथ, मैं वो राउंड मारने के लिए उधर साइकिल के साथ जा सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं। एक्चुअली अर्नब को आजकल एक नया फ्रेंड मिला है, उसका वीडियो मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि लोग कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं इन चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उसके साथ खेलता है। अर्नब भी उसको काफ़ी पसंद करता है, दोनों का नाम अर्नब ही है। और तो ये चीज़ें हैं गाइस, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग टेंशन में रहते हैं कि हाँ पार्क में जाते हैं कोई कुछ प्रॉब्लम कर देगा, कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे, उनके पेरेंट्स ऐसा ऑब्जेक्शन करेंगे, तो मेरे साथ अभी भी हो रहा है। बट अभी क्या चेंज आ गया है, अभी मैं होपफुल रहती हूँ। मुझे पता है एक बार कर दिया कोई बात नहीं, दो बार कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा। तो इसके बाद का वीडियो मैं थोड़ा टाइम के बाद शूट करूंगी, थोड़ा सा मैं इन दोनों को देख लेती हूँ, दोनों कैसे खेल रहे हैं। तो ये बिहेवियर इशू उसमें 4-5 साल पहले भी थे गाइस, कि बच्चों को पकड़ना है, टच करता था, तो उस टाइम पे मैंने उसको टैकल कर लिया था, उसके साथ साथ चल के उसको बोला, ये समझाया अच्छे से, वो समझ भी गया कि गर्ल्स जो चाइल्ड होते हैं या गर्ल्स हैं उनको टच नहीं करना है, या तुमको कुछ भी चीज़ चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। और कोई इशू इतना नहीं है, बस जस्ट यही है। इसको एक्चुअली बिहेवियर प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते हैं हम लोग। टच करना मतलब वो अपनी तरफ से, वो बोलते हैं ना कि अपनी तरफ से, तो वो ग्रो हो रहा है क्योंकि वो बच्चों के बीच में जाने का कोशिश कर रहा है। जैसे वो हम हस्बैंड वाइफ को कॉपी करता है, वो बच्चे को भी कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। इसी तरह से तो सीखते हैं नॉर्मल बच्चे भी, इसी तरह से तो उनका इंटरेस्ट आता है दूसरे बच्चों के बीच में भी। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी लगता है कि थोड़ा और डीपली इंटरफेयर करके, उसको साथ साथ में समझा के, और थोड़ा सा दूसरे बच्चों को भी मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो लोग मुझे कॉपरेट करेंगे, वो बच्चे मुझे कॉपरेट करेंगे, तो हो सकता है कि अर्नब में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आए। तो ये जो इसमें क्रियोसिटी अभी आ रही है इस एज में कि मुझे अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना है, ये एक तरह से अच्छा साइन है, बट समझाना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। तो मैं आपको इसका अपडेट देती रहूँगी कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है और मैं कैसे सिखा रही हूँ। तो अभी हाँ, तो गाइस वो दोनों खेल रहे हैं। मुझे एक्चुअली एक कमेंट का आंसर करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि
अगर ऑटिस्टिक बच्चों को कोई थेरेपी नहीं करवाई जाए तो क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी सिम्टम है वो ख़त्म नहीं होंगे, मेच्योरिटी के साथ थोड़े कम हो सकते हैं, या फिर कई बार बोलते हैं कि और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जो सेंसरी इश्यूज़ उनमें स्टार्टिंग में आते हैं, जो भी सिम्टम आते हैं, बाद में जाके वो और भी ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि और भी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है गाइज कि आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या वहाँ आसपास में कोई थेरेपिस्ट होता ही नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो बात अलग है गाइज। सबसे पहले तो ये बात है कि ओटी की जो इम्पोर्टेंस है वो तो है ही। ओटी तो एकमात्र ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो है, तो ओटी तो आपको करवाना ही है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप उसको किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ही करवाना है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब है, उस पर हम जैसे पेरेंट्स हैं, या इवन कुछ थेरेपिस्ट हैं, या इवन कुछ डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो आप लोगों को पूरा गाइड कर रहे हैं कि अगर आप थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आपका एरिया जैसे विलेज है, तो आप सिंपली उनको फॉलो कीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। उसको फॉलो करके भी आप काफ़ी हद तक ऑटिज़म को ट्रीट कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल मत सोचिए, कि ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि आप अगर कुछ नहीं करोगे तो भी ऑटिज़म ठीक हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली तो सिचुएशन ख़राब तो होगी ही। ख़राब नहीं होगी तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इन बच्चों में कैपेसिटी होती है कि ये लोग सीख सकते हैं, कोई टैलेंट इनके अंदर हो सकता है, तो वो चीज़ को फिर आप कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर ऑटिज़म ख़राब नहीं हुआ, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, तो ये कुछ सीख नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सब कुछ इनके दिमाग में डालना पड़ता है, ये कुछ भी अपने आप से सीख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ को आप दिमाग में रखिए। कोई बात नहीं, अगर थेरेपिस्ट नहीं है तो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सब कुछ फॉलो कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। वैसे भी तो हम लोग थेरेपिस्ट के पास वीकली 2 times जाते हैं, 3 times जाते हैं, फिर तो घर पर ही हम लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ आप माइंड में रखिए, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं करेंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट जो आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।